लावण्य ने फेंका चिराग का सामान, आउटहाउस में रहना दीपिका और चिराग के लिए हुआ मुश्किल। स्टार प्लस का शो दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि चिराग और दीपिका आउटहाउस को सजाते हैं, साफ करते हैं और उसे रहने लायक घर बनाते हैं। साथ ही चिराग के पास जाह्नवी का फोन आता है और अब जाह्नवी साइको बन चुकी है। वो चिराग के प्यार में पागल हो गई है, ना उसे कुछ समझ आ रहा है और ना ही वो किसी से बात कर रही है। वो चिराग को फोन करती है, उसे धमकी देती है, उसे दीपिका से दूर रहने की सलाह देती है। वहीं दूसरी तरफ लावण्य की बात की जाए तो लावण्य भी सभी हदों को पार कर रही है। लावण्य सबसे पहले आउट हाउस के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को काट देती है। जब चिराग फ्यूज चेक करने के लिए घर की तरफ आता है तो लावण्य के इशारे पर गार्ड्स चिराग को घर के बाहर ही रोक देते हैं। लावण्य ऊपर से चिराग से कहती है कि घर का खाना पानी और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ घर के स्टाफ और घर वालों के लिए है, किसी बाहर वाले के लिए नहीं। इसके बाद लावण्य करती कुछ यूं है कि चिराग के सभी मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और कुछ फोटो फ्रेम घर से बाहर फेंक देती है। यानी कि वो सामान जो चिराग ने अपने रूम में सजाया था, जिसमें लावण्य और चिराग एक साथ थे, लावण्य उन फोटोज को घर के बाहर फेंक देती है। चिराग अपसेट होकर वहां से चला जाता है, लेकिन दीपिका सारा सामान उठा लेती है क्योंकि इसमें सिर्फ फोटो फ्रेम नहीं बल्कि चिराग के अचीवमेंट्स भी है, यानी कि मेडल्स, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी है। अब जब दोनों घर लौटते हैं तो आउट हाउस अंधेरे में है। अब दीपिका दिए से पूरे घर को रोशन कर देती है और जब एसी और इलेक्ट्रिसिटी के बिना चिराग को नींद नहीं आती है तो दीपिका चिराग को गाने सुनाती है। आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।